ये साइड देख सकते गाइस, जैसे कितना अंधेरा है यार, जाने से भी डर लग रहा है मेरे को। हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस द एक्सप्लोरिंग बॉय। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक हो। आज मैं जा रहा हूँ महाकाली केव्स, अंधेरी ईस्ट में। बहुत ही पुराना किला है, किला बोल रहे, बहुत ही पुराना केव्स है, आज उसी को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। अभी घर से ही निकला हूँ। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक्स करिए, कमेंट करिए वीडियो को। तो पहुँच के बनाता हूँ ब्लॉग, कंटिन्यू रहिएगा आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है महाकाली केव्स। गाइस, मैं अभी अंधेरी स्टेशन पे पहुंच गया हूँ। देख सकते हैं आप, मेरे पीछे अंधेरी स्टेशन है। अभी यहाँ से बाहर जा रहा हूँ बस स्टॉप की तरफ, ईस्ट में। A few moments later. तो गाइस, मैं बस स्टॉप की तरफ पहुंच गया हूँ। ये अंधेरी का बस स्टॉप, देख सकते हैं आप मेरे पीछे। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ महाकाली के लिए, महाकाली केव्स के लिए जो बस मिलती है वो पकड़ने जा रहा हूँ। तो कंटिन्यू रहिएगा आप लोग, बस पकड़ के कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। तो गाइस, महाकाली केव्स के लिए 333 नंबर की बस जाती है, मैंने अभी भी पता किया कंडक्टर से पूछ के। तो अभी वेट कर रहा हूँ बस का, खड़ा हूँ बस स्टॉप की तरफ, बस आएगी फिर जाएंगे। आज 5 रुपये की टिकट और 20 मिनट का सफ़र, तो मैं पहुंच गया फाइनली महाकाली केव्स। अब यहां से अंदर जा रहा हूं, अभी मैं पता करते टिकट वगैरह कितने की अंदर घूमने के लिए। गाइस, यहां से जा रहा हूं मैं टिकट लेने, देख सकते हैं आप, टिकट के लिए बनाया गया है। तो गाइस, मैंने एंट्री कर ली, एक्चुअली वो गेट पर वहाँ से एंट्री हुआ है अभी। तो यहाँ का 20 रुपये टिकट चार्ज है, तो मुझे लगा ऑफलाइन होगा, बट मैं आपको बता दूं, ये लोग बोल रहे पिछले एक महीने से स्टार्ट हुआ है। आपको यहाँ पर आके एक स्कैनर रहेगा, उस स्कैनर के थ्रू आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी 20 रुपये। आप UPI, नेट बैंकिंग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अभी 20 रुपये पे की, तो अभी अंदर की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ बहुत से लोग आए हैं। तो अभी केव स्टार्ट होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं केव एक्सप्लोरिंग बिना टाइम वेस्ट किए, स्टार्ट करते हैं। गाइस, देख सकते हैं आप, केव पहुंचते ही गाइस देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी लोग आए हैं। वहां पर कुछ लोग आए हैं, यहां पे कुछ लोग आए हैं, वहां कुछ लोग आए हैं, लोग आए हैं। मैं जा रहा हूं केव की तरफ, एक्सप्लोर करने स्टार्ट करते हैं। गाइस, केव के बाजू में देख सकते हैं आप, ये रहा केव। यहां तो आवाज भी बहुत इको हो रही है, देख सकते हैं बहुत ही पुराना और अद्भुत केव बनाया गया है। केव के अंदर जा रहा हूँ मैं, देखिए केव, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, यहाँ धीरे धीरे अंधेरा भी, यहाँ ऐसा कुछ बनाया हुआ है, केव है पूरा, देख सकते हैं आप, बहुत ही पुरानी आर्किटेक्चर और सभ्यता दिख रही है ये हमारा। यहाँ आवाज भी इको हो रहा है, जैसे कि आप कुछ भी बोलेंगे डबल साउंड हो रहा है। रूम बहुत मीन्स है तो ओपन, फिर भी अच्छा, ये देख सकते गाइस, आने के बाद थोड़ा डर सा भी लग रहा है, लाइक यहाँ पर ऐसा लग रहा है भूत वगैरह, बहुत अंधेरा बहुत है यहाँ पे। ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे पिलर्स, ऐसी केव टाइप बनाई गई है, देख सकते हैं आप नीचे, बहुत पुराना है ये, लाइक फर्स्ट 6 सेंचुरीज में बनाई है, 1st to 6th century के बिटवीन में बनाए, बहुत ही पुराना और अद्भुत आर्किटेक्चर है। यहाँ तो ये साइड देख सकते हैं गाइस, जैसे कितना अंधेरा है यहाँ, जाने से भी डर लग रहा है मेरे को। तो
तो जो दोपहर में आया हूँ मैं, फिर भी इतना डर लग रहा है। केव बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, बहुत अभी भी इतना अच्छा है जबकि ये इतना पुराना केव है। मीन्स आपको बताया कई हजारों साल पहले बनी है। ये रॉक्स वगैरह देख सकते हैं आप, ये वाला हिस्सा। अब जितना अंदर जाएंगे उतना ही ये बहुत ही रहस्यमय गुफा तरीके से बनाई गई है। ना जाने कितनी डायनेस्टी यहाँ चली गई थी। मैं ये वाले गुफा में चढ़ रहा हूँ, यहाँ कम से कम 14 से 20 गुफाएं हैं, उनके अंदर भी और गुफाएं हैं, 14-20 तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। अभी मैं ये इधर आया हूँ, इधर ये देख सकते हैं आप, ये कुछ तो बहुत ही अद्भुत बना हुआ है, पता नहीं कैसे कुछ बहुत ही सुंदर सा बनाया हुआ है। ये दो गुफा के अंदर वो शिवलिंग जैसा कुछ है, बट शिवलिंग नहीं है, कुछ ऐसा वो है, वो लग रहा है, वो बेल टाइप लग रहा है कुछ, जो बेल्स होती हैं। और ये देखिए को मैं कह रहा था आप लोग को, हमारी सिविलाइजेशन आर्किटेक्चर देख सकते हैं आप, ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया गया, देख लीजिए आप, देख सकते हैं आप लोग, ये अपने हमारी सिविलाइजेशन से। और आपने बुक्स वगैरह में पढ़ी होगी, हिस्ट्री बुक्स वगैरह में हरप्पा सिविलाइजेशन वगैरह, उसमें आपने ये सारी फोटोज़ देखी होगी। ये हमारे एंशंट से एंशंट जो पूर्वज रहे होंगे उन्होंने बनाया है ये सब कुछ, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कितना पुराना है ये किला। ये गाइस देख सकते हैं आप, सर चार पिलर के बीच में वो इधर साइड साइड में ऐसे गुफाएं बनी हुई हैं, तो अंधेरा है कि जाने से भी डर लग रहा है, बहुत ही अंधेरा है, बहुत कुछ है, मतलब हिस्टोरिकल प्लेसेस में आएगा ये, अगर मैं इसको दूंगा तो ये माइथोलॉजिकल कम या हिस्टोरिकल प्लेसेस ज़्यादा आ रहे हैं। जो पुरानी सिविलाइजेशन है हमारी वो पूरी दिख रही है, पुरानी आर्किटेक्चर्स सब देख सकते हैं आप, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही मजबूत, आज भी वैसा ही। तो जिसको भी अपना हिस्ट्री याद करना है वो यहाँ आ सकता है एक बार। ये सब इधर का सबसे ब्यूटीफुल व्यू मुझे यही लग रहा है, देख सकते हैं आप, फोटोशूट वगैरह के लिए, थोड़ी हिस्ट्री मेमोरीज के लिए बहुत अच्छी जगह है। ये हमारा फोर्थ केव, ये फोर्थ केव है, देखने पे सब सेम ही है बट सब अलग है। ये जो अंधेरे केव्स बने हुए इसमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, दिन के समय तो रात के समय ही और शाम के समय तो भूल ही जाइए। तो ये गाइस यहाँ केव के बाहर पब्लिक टॉयलेट बनाया गया है, यहाँ आने वाले लोगों के लिए, देख सकते हैं आप, ये टॉयलेट बनाया गया है, वो द टाकी है। तो गाइस ये केव के ऊपर पहाड़ वाला हिस्सा देख सकते हैं, यहाँ भी लोग हैं, फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं। ये केव के ऊपर का हिस्सा है, यहाँ मुझे उसने गेट पर आने से मना किया था, बोलता है कि ये पहाड़ के ऊपर जो है सांप वगैरह निकलता है, बट इतना दूर आया हो, इतना रिस्क लेके नहीं जाऊंगा तो क्या ही होगा। ये पहाड़ के ऊपर का हिस्सा देख सकते हो, वहाँ नीचे लोग बैठे हो, जो गार्डन हमने देखा था वीडियो में पहले। ये नीचे मेरे केव है, इसके नीचे ही हमने हर चीज एक्सप्लोर किया, ये पहाड़ के ऊपर का हिस्सा। तो आप सोच सकते हैं पहाड़ के अंदर ऐसा केव बना हुआ था, मैं भी अभी भी वही सोच रहा हूँ कि मीन्स हमारी ओल्ड सिविलाइजेशन कितनी
कितनी आगे थी आर्किटेक्चर से सब के मामले में। तो गाइस ऐसा था ब्लॉग खत्म हुआ। मैं जा रहा हूँ बाहर गेट से, जाता हूँ घर। ऐसा था ब्लॉग, देखा हमने सब कुछ एक्सप्लोर किया पूरा महाकाली केव्स। आ सकते हैं आप फैमिली फ्रेंड्स किसी के साथ आ सकते हैं। अच्छा हिस्टोरिकल प्लेस है, बहुत कुछ है अंदर, तो बहुत अच्छा क्लीन भी है, मेंटेन भी है। तो फिर मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे ब्लॉग में किसी और चीज़ को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र।